आइए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक कमरे की लंबाई जो है 4 मीटर दिया है, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर दिया है। यदि इसके दीवार उसकी दीवारों की दीवारों को 25 सेंटीमीटर चौड़े कागज से मोड़ने में कितने कागज की आवश्यकता होगी। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देंगे। लंबाई दिया है 4 मीटर, चौड़ाई दिया है 3 मीटर, ऊंचाई दिया है 3 मीटर। ठीक है, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है ना, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कमरे की चौड़ाई दिया है, लंबाई दिया है सबसे पहले, है ना। तो कमरे की लंबाई दिया है कितना, 4 मीटर। चौड़ाई दिया है कितना, चौड़ाई दिया है 3 मीटर। ऊंचाई दिया है कितना, 3 मीटर। ठीक है, ऊंचाई दिया है 3 मीटर। अब देखिए, अब कमरे के सबसे पहले कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ना। कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2 कोस्ट लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू में क्या होता है, ऊंचाई। तो 2 कोस्ट लंबाई कितना दिया है, 4, चौड़ाई कितना दिया है 3, ऊंचाई कितना दिया है 3। देखिए 2 गुणे 3, 4 3 7 गुणे 3, तो 7 दूना 14, 14 28 42, यानी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 42 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 42 मीटर स्क्वायर हो गया। अब चूंकि कह रहा है कि दीवार को 25 सेंटीमीटर चौड़ी कागज से मोड़ने में लग रहा है ना, तो इसलिए काम करते हैं, इसको सबसे पहले इतना हमको मीटर स्क्वायर दिया है ना, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ठीक है, तो जब सेंटीमीटर में इसको बदलेंगे ना, तो देखिए इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे कि दीवारों को दीवार को 25 सेंटीमीटर चौड़ी कागज से मढ़ने में कागज की आवश्यकता बराबर मढ़ने में कागज की आवश्यकता बराबर क्या करेंगे, इसको 4200 है ना, 4200 सेंटीमीटर बट्टा में 25, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 168 मरतबा में कट जाएगा, तो 168 मीटर कागज की आवश्यकता होगी 12 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन में, 13 नंबर क्वेश्चन है ना, 13 नंबर, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए 14 नंबर क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घनाकार कक्ष की आंतरिक व्यास 12 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 4 मीटर है। यदि सफेदी कराने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो उस कक्ष के 4 दीवारों को सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। यदि उस कमरे की छत की भी सफेदी कराई जाती है, तो सफेदी कराने का खर्च ज्ञात करें। चलिए इसको बनाते हैं। कमरे के 4 दीवारों का सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, कि कमरे का घनाकार है ना, तो ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अंतर हो जाता है। लंबाई हमारा 14 12, चौड़ाई आपका 8, और ऊंचाई जो होता है 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो दिया है उसको सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, घनाभाकार कक्ष की कितना नंबर है, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। घनाभाकार कक्ष की लंबाई बराबर कितना है, 12 मीटर, चौड़ाई दिया है कितना, 8 मीटर, ऊंचाई कितना दिया है,
4 मीटर, ठीक है, ऊंचाई 4 मीटर दिया है। तो इसका क्या करते हैं कि क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो घनाभाग कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल देंगे, कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोस्ट लंबाई जोड़ चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। तो 2 × 12 जोड़ 8 गुणे में एच कितना दिया है हमारा, एच 4 है, तो 4 2 × 12 = 8 = 20 जोड़ 4। तो सबसे पहले गुना, यानी गुना हो जाएगा, रुकिए तो यहाँ पे गुना ना है, गुना तो गुणा हो गया। अब देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16 यानी 160 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 5 रुपये प्रति वर्ग से खर्च लग रहा है, तो लिख देंगे कि 5 रुपये जो दिया है उसको 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 160 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 160 × 5 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 16 × 5 = 80 इतना रुपया हो जाएगा। पुनः कमरे के छत का भी सफेदी कराना है ना, तो देखिए कमरे का छत का भी कराना है, तो देखिए लिखेंगे पुनः कमरे की छत की भी सफेदी कराई जाती है तो इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2h, माने l जोड़ ये होता था ना, 2 × lb / bh है ना, सॉरी 2 × l / b / h आता है ना, वही h यहाँ पे लिख दिया है। अब प्लस देखिए ऊपर का कराना है, चूंकि देखिए छत के ऊपर का कराना है, तो एक परत ऊपर का कराना है ना, ये वाला एक करवा, तो मान लीजिए जो छत है, मान लीजिए आप ही जो छत होता है ना, मान लीजिए हम छत ऊपर बनाए हैं, तो छत जो है मान लीजिए ये छत है, ठीक है, ये छत है मान लीजिए, तो ये छत है तो इसमें लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा, मान लीजिए इसका कुछ चौड़ाई भी होगा ना, तो मान लीजिए ये पूरा छत बना रहे हैं, यही छत है मान लीजिए, तो इसका लंबाई कुछ चौड़ाई है, इसीलिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं, तो एल जोड़ बी जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 × h दिया है हमारा 4, ये दिया है 12 दिया है जोड़ 8 है ना, जोड़ l × b, तो l × b यानी 12 × 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 4 × 8 हो गया × 20 जोड़ अधिक 12 × 96 हो जाएगा, ठीक है। 8 × 16 = 160 जोड़ में कितना हो जाएगा 96 बराबर 296 हो जाएगा है ना, तो इतना हो जाएगा। तो 5 रुपये की, तो फिर इसको देखेंगे आगे, इतना हमारा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 256 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1280 रुपया जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, लंबा दिया है, इसलिए जो बनाया भी जा रहा है तो थोड़ा लंबा में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एकदम सिंपल सा है, लंबाई चौड़ाई दिया, लिख दिए हैं, क्षेत्रफल निकाल दिए हैं, क्षेत्रफल निकाल के 5 रुपये प्रति वर्ग का खर्च निकाल दिए हैं, इतना आ जाएगा। और फिर पूरे कमरे के छत को सफेदी कराई जाती है, तो मान लीजिए कि कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल 2 कोस्ट लंबाई जो चौड़ाई ऊंचाई होता है, चूंकि दीवार को भी ऊपर वाला जो है छत को भी कराया जा रहा है, तो लंबाई उसका चौड़ाई होता है, तो लंबाई चौड़ाई जोड़ दिए जो है उसको बना दिए, तो इतना हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम भी मोटिवेट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, ठीक है।
चलिए जय हिंद।